हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू। मैम, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप में फोटो फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फोटोशॉप ओपन कर लेना है। ये देखिए फोटोशॉप 7.0 है। उसके बाद हम लोग को नया पेज लेना है। तो नया पेज लेने के लिए फाइल में आना है, न्यू पे आना है, नहीं तो फिर आप Ctrl+N भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को साइज लेना है वो 5x7 लेना है। उसके बाद ओके करना है। ये देखिए हम लोग का पेपर इंसर्ट हो चुका है। अब ये पेपर को हम लोग को क्या करना है, तो ये पेपर अभी जो इसका डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, इसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल करना है। तो रोटेट करने के लिए हम लोग को कहाँ आना है, तो इमेज में आना है, रोटेट पे आना है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे क्लिक करना है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल पेपर हो गया, ये हमारा फिक्स साइज है। अब इसको जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। Ctrl+ से जूम इन होगा और Ctrl- से जूम आउट होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रूलर सेट करना होता है, कितना आप लेंथ लेना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ये शो कर रहा है 1 2 3, ये है रूलर बार। अगर नहीं शो कर रहा है तो Ctrl+R कीजिएगा, शो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रूलर सेट करते हैं। यहाँ से रूलर बार को आप पकड़कर इस तरह खींचिएगा तो एक ब्लू लाइन बनेगा। आप जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ये देखिए हमारा टॉप में रूलर सेट हो गया, इसी तरह बॉटम में भी कर लेना। उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहां से रिक्टेंगल मार्की टूल्स लेना है और ये दोनों जो हमारा लाइन दिख रहा है, इस दोनों लाइन को एक बार में सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आप इनसाइड सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग को अगर फिर से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं बनता है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो डबल सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुका है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, तो कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए अगर अभी हम लोग कलर फिल करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाता है। हम लोग को लेयर वाइज काम करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक लेयर बना लेते हैं। यहां से देखिए क्रिएट लेयर हो जाएगा, लेयर वन आ चुका है। अब इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पे हम लोग का येलो कलर है, तो जैसे ही अल्ट डिलीट कीजिएगा तो ये कलर हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन रिमूव कर लेना, Ctrl+D कीजिएगा, सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। फिर से हम लोग को एक रूलर सेट करना है। आप जितना डिस्टेंस देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। उसके बाद फिर से रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्ट कर लेना है। फिर से इसका नया लेयर बनाना है और फिर से अल्ट डिलीट से इसे भी कलर कर लेना है। अब Ctrl+D करके सिलेक्शन हटा लेना है। अब ये जो हम लोग का रूलर बार का लाइन है इसे भी हटा लेना है, तो जैसे ही Ctrl+H कीजिएगा ये रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग को लेयर वन पे आना है और डबल क्लिक करना है। ये देखिए आपके सामने लेयर स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसमें हम लोग को आना है विवल एंड इम्बॉस के ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ से बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे एक टिकनिक का ऑप्शन है, इसमें से हम लोग को ऑप्शन यूज कर लेना। आप जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लॉस का ऑप्शन है, इसमें से भी आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन है, साइज है, तो ये आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन ये एक फिक्स साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके, अब लेयर टू पे आना है। लेयर टू पे भी डबल क्लिक करना है
और फिर से वही ऑप्शन हम लोग को यूज कर लेना है। अब इसमें हम लोग को एक ऑप्शन ऐड करना है यहां से टेक्स्ट टीचर का ये। अब इसमें से आप पैटर्न कौन सा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इसमें काफी पैटर्न है। उसके बाद आप अगर और भी कुछ इसमें स्केल बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। यहाँ से एक इनवर्ट का ऑप्शन है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो एक शेप लेना है, यहां से राइट क्लिक करना है, कस्टम शेप टूल पे आना है। और यहाँ पे देखिए कि शेप का बहुत सा ऑप्शन है, आप जो यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये एक सिंपल सा शेप ले रहे हैं, अब इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब देखिए कि इसमें कलर फिल हो चुका है क्योंकि हमारा दोनों बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को कंट्रोल टी करना है और मूव टूल पे क्लिक करना है, या तो आप वी प्रेस कर सकते हैं और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है आप साइज अपने अनुसार। को फिक्स कर लेना, आप जितना भी साइज रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। देखिए कि ये साइज में हम लोग का आ जाएगा, अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो इसी का डुप्लीकेट करना है, यानी पूरा जो हमारा साइज है फ्रेम का उसमें पूरा यही शेप लगाना है। तो बार बार कॉपी पेस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होता है, कोई ऊपर चला जाता है तो कोई नीचे आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। सबसे पहले कंट्रोल जे करना, यानी लेयर का डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल टी करना है और उसके बाद इसको हम लोग राइट एरो से राइट कर लेते हैं। जितना आपको डिस्टेंस ऐड करना है उतना पे छोड़ देना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट की को होल्ड करना और टी प्रेस करना है। देखिए कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, तो हमारा शेप बनते जा रहा है। अब ये अलग अलग लेयर में, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो सारे लेयर को क्या करना है, तो सिलेक्ट कर लेना है जो भी ये शेप का लेयर है। और इसको ग्रुप करने के लिए हम लोग को प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई। ये देखिए कि ये ग्रुप हो चुका है। उसके बाद आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से करना चाहते हैं। अब इसी को क्या कर लेना है, तो कॉपी कर लेना है कंट्रोल जे और इसको कंट्रोल टी पे टी प्रेस करना है और बॉटम में यानी डॉन एरो से डॉन कर लेना है। ये हमारा हो चुका है टॉप और बॉटम। अब करना है लेफ्ट और राइट, तो फिर से एक शेप को बनाना है। आप अपने अनुसार ये साइज देखकर फिक्स कर लीजिएगा। अब क्या करना है, इसको भी कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है और डाउन एरो से इसको नीचे कर लेना है। इसके बाद इंटर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और टी। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो ये भी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ई करना है और देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा साइज ज्यादा लग रहा है, तो ये आप साइज ग्रुप में भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी कंट्रोल जे से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल टी करना है और राइट एरो से राइट कर लेना है। सॉरी नहीं हुआ है।
कंट्रोल जे, कंट्रोल टी और राइट एरो। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, तो फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, तो एक फोटो ओपन कर लेना है, फाइल में आना है, ओपन पे आना है, और यहाँ पे जो भी आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ओपन कर लेना है। ये देखिए हमको ये इमेज लगाना है, तो इसको सिर्फ क्या करना है, तो मूव टूल सिलेक्ट रखना है और इस इमेज को पकड़ के खींच लेना है, यानी मूव कर लेना है, मूव हो जाएगा। उसके बाद इसे क्लोज कर लेना है मैक्सिमाइज, और आप ये फोटो को इसमें फिक्स कर लीजिए। आप इसमें भी अगर आउटसाइड इनसाइड जो भी लगाना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है फोटो फ्रेम। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।